दोस्तों, आपने मेट्रो में कभी ना कभी तो ट्रैवल किया ही होगा और वहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि मेट्रो का जो टोकन होता है उसके अंदर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, ऐसी कौन सी चीज़ होती है कि उसको गेट पे रखते ही गेट जो है ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम बात करने वाले इसी क्वेश्चन को लेके, इसी क्यूरियोसिटी को लेके, और आज आप जानोगे इस वीडियो में कि गेट्स ऑटोमेटिक कैसे खुल जाते हैं। तो अपने दिमाग की बत्ती खोलने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहे और जाने कि गेट्स कैसे खुलते हैं। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब, हाँ 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 देखो अब। तो देखो भाई, यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। आप सबसे पहले क्या करते हो, आप मेट्रो स्टेशन जाते हो, वहाँ पे आप जाते हो काउंटर पे, काउंटर पे बोलते हो कि भैया मेरे को इस जगह से लेके इस जगह पे जाना है, तो मुझे आप एक टोकन दे दो। आप उसको देते हो कुछ पैसे और वो आपको बदले में देता है प्लास्टिक का टोकन। तो आप सोचते हो कि यार ये टोकन तो प्लास्टिक का है, इसके अंदर तो कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं है, तो फिर इसमें क्या कमाल की चीज़ है कि इससे गेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कमाल भी किया, यहाँ पे लोगों ने सोचा कि ये कोई गोल सी चीज़ है, ठीक है, इसको वहाँ पे डालते हैं गेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं। तो हम भी क्या करते हैं, हम भी कुछ गोल सी चीज़ लेके आते हैं। तो वहाँ पे लोगों ने खुद से कुछ गोल गोल चीज़ें क्रिएट कर ली, जैसे कि 1-2 रुपए का सिक्का डाला या फिर 5 रुपए का कॉइन डाला और उसको वहाँ पे कॉइन की जगह पे रख के उन्होंने चेक किया कि गेट्स ओपन होते हैं कि नहीं होते। तो डेफिनेटली भाई गेट्स ओपन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। वो जो टोकन होता है उसको जब भी आप काट के देखोगे, वैसे काटना मत, यहाँ पे फोटोज दिखा रहा हूँ मैं, आप वहाँ पे देख लो, लेकिन जब भी आप देखोगे तो उस टोकन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक होता है NFC चिप। NFC मतलब होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो वो जो चिप होती है वो काम करती है RFID टेक्नोलॉजी पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो चिप होती है वो प्लास्टिक टोकन के अंदर ही होती है और वो चिप के अंदर कोई भी पावर सोर्स नहीं होता है, मतलब उसके अंदर कोई भी बैटरी, कोई भी चार्जिंग वार्जिंग का प्रोसेस नहीं होता है। तो यहाँ पे फिर वो एक्टिवेट कैसे होती है, वो कमाल की बात है। तो देखिए यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन क्या मतलब, आपका मेट्रो का गेट और आपका टोकन जब दोनों एक दूसरे के साथ चिपकते हैं तो यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। तो वो कम्युनिकेशन में यहाँ पे सारा जादू टोना होता है। वो कैसे काम करता है, देखिए सिंपल प्रोसेस होता है कि यहाँ पे दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एक्टिव कंपोनेंट, एक होता है पैसिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कौन सा होता है, आपका मेट्रो गेट होता है। तो भाई वो होता है एक्टिव कंपोनेंट, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पावर का इनपुट होता है और पावर के इनपुट की वजह से वहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्रिएट किया हुआ होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ पे, वो ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर तक, लगभग 10 सेंटीमीटर तक एक्टिव होता है। तो यहाँ पे क्या करते हो कि आप जब भी अपना टोकन लेके, जो कि डीएक्टिवेटेड है, मरा हुआ है, उसको लेके आप जैसे ही जाते हो गेट के पास और जैसे ही उस 10 सेंटीमीटर के एरिया के अंदर जाते हो, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, जो रेडिएशन होती है अगल बगल में, उसकी वजह से चिप के अंदर भी जान आ जाती है। अब यहाँ पे मैं करके तो नहीं दिखा सकता आपको कि कैसे जान आती है, लेकिन ये समझ लो कि यहाँ पे जान आ जाती है। उसकी वजह से जो करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से करंट जो फ्लो होता है चिप के अंदर आ जाता है और यहाँ पे आपका जो टोकन है वो हो जाता है एक्टिवेट। फिर वो एक्टिवेट होकर जल्दी से जल्दी, बहुत ही जल्दी, मतलब आप सोच नहीं सकते, आप टोकन रखते हो इतनी देर में वो सारी इन्फॉर्मेशन जो टोकन के अंदर होती है वो उस मशीन को पास कर देता है, आपकी जो गेट्स होती हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे वो बता देता है कि भाई ये जो फलाना टोकन है, क्योंकि यहाँ पे बंदे की तो कोई इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, इन्फॉर्मेशन होती है टोकन के अंदर। तो वो बता देता है गेट को कि ये जो टोकन है ये इस वाले गेट के अंदर एंटर किया गया है, इस वाले स्टेशन कोड पे, और ये कहीं जाकर दूसरे स्टेशन कोड पे एग्जिट लेगा। वो कब लेगा वो बाद की बात है। तो यहाँ पे भाई बंदा जो है टोकन वहाँ पे जस्ट टच करता है और उसकी वजह से ये सारा मेल मिलाप होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो प्लास्टिक का टोकन है वो हो जाता है एक्टिवेट और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है दोनों के बीच में हो जाती है शेयर। इसके बाद भाई बंदा अंदर जाता है, क्यों, क्योंकि गेट खुल जाते हैं। तो इसके बाद बंदा अंदर जाता है, फिर वो अपना ट्रैवल करता है और फिर वो जिसको जहाँ पे निकलना होता है वहाँ पे वो क्या करता है कि दोबारा से अपने टोकन को लेके जाता है और वहाँ पे गेट के अंदर इंसर्ट करता है। उसके बाद फिर वहाँ पे वही प्रोसेस होता है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिसकी वजह से टोकन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो रिट्रीव कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो मशीन है, जो मेट्रो का सॉफ्टवेयर है, वो समझ लेता है कि ये टोकन जो था यहाँ पे गेट ए पे एंटर हुआ था और गेट ABCD जहाँ भी एग्जिट हुआ वहाँ पे जाके एग्जिट हो गया। तो मतलब इस टोकन का जो रोल था वो यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद क्या होता है कि वो जो मशीन होती है उस टोकन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है
उसको कर देती है खत्म, उसको कर देती है साफ, मतलब उस टोकन का काम वहां पे खत्म। लेकिन यहाँ पे दोस्तों टोकन का काम खत्म नहीं होता है, क्योंकि जो NFC चिप होती है उसके अंदर आप 1,00,000 बार लिख सकते हो, मिटा सकते हो। अब लिखना मिटाना ऐसे नहीं कि आप पेन कॉपी लेके बैठ गए जी हाँ यहाँ से जाना है यहाँ से जाना, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि चिप के अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन सेव की जाती है और वो 1,00,000 बार स्वाइप की जा सकती है। तो फिर यहाँ पे आता है रिसाइकिल का प्रोसेस, मतलब वो टोकन दोबारा उठाया जाता है, वापस पहुंच जाते हैं काउंटर पे और वहां पे वो फ्रेश तरीके से दोबारा यूज होते हैं। और जब तक वो 1,00,000 बार वहां पे लिखा जाता है, मिटाया जाता है, तब तक तो भाई कुछ लोग उसको दांत से चबा के तोड़ लेते हैं, कुछ लोग चुरा के ले जाते हैं, कुछ लोग उसको घिस घिस के तोड़ लेते हैं, कुछ लोग उसको टेढ़ा मेढ़ा करके तोड़ देते हैं। तो उसकी ऐसी नौबत आती नहीं है कि वो 1,00,000 बार लिखा जा सके। लेकिन फिर भी अगर आप ये सब काम करते हो, टोकन का नुकसान करते हो, तो मत किया करो यार, अपनी प्रॉपर्टी है, क्या फायदा है नुकसान करके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे कि भाई कैसे काम करती है ये टेक्नोलॉजी, कैसे NFC चिप इनेबल जो ये टोकन्स होते हैं ये काम करते हैं। इसके अलावा भाई और कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो नीचे कमेंट बॉक्स जो आपके लिए बना है डेफिनेटली जाके आप टाइप करिए। गैबी फेलो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मतलब इस वाले चैनल को, डेफिनेटली गैबी मैं ही हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब ये करते हैं वीडियो खत्म, आगे मिलेंगे कुछ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।